कि यदि बीजेपी को 2022 में आना तो युवा चेहरा के साथ ही आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में तो आपसी मतभेद इतना है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं। कोठाल जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, आम आदमी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कंपटीशन कर पाएगी कांग्रेस का या फिर भाजपा का। इनके टक्कर का कोई उम्मीदवार ना तो बीजेपी में है और ना ही कांग्रेस में है। सभी सरकारों को एक एक मौका दे दिया, अभी आम आदमी पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए। बीजेपी का बस एक ही एजेंडा है कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना। आपने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, आपके पास 70 विधायक नहीं है लड़ाने के लिए विधायक प्रत्याशी, तो हम कैसे कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आर्मी बैकग्राउंड है इसी वजह से हम वोट दे दें उन्हें। ये उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिस पार्टी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठाए थे। आप बिजली 300 यूनिट फ्री करने के बाद में हमारी जेब से एक्स्ट्रा टैक्सेस के थ्रू ये पैसा निकालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं राज्य के, वो इसकी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम पद का उम्मीदवार को चुन लिया है। जी हां, कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से। वहीं बात करें बाकी जो पार्टियां हैं राज्य में उनकी, जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, इन्होंने अभी तक अपने सीएम पद का जो चेहरा है उसकी घोषणा नहीं की है। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं जनता से कि बाकी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस से सीएम पद का उम्मीदवार किसे होना चाहिए और कौन वो उम्मीदवार होगा जो कि कर्नल अजय कोठियाल को विधानसभा के चुनाव में टक्कर दे पाएगा। जैसे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, कर्नल अजय कोठियाल जी सीएम की तरफ से लड़ेंगे, और तो लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जैसे भाजपा कह लीजिए और कांग्रेस कह लीजिए, उन्होंने अभी तक अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। तो जनता के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, बीजेपी का सीएम चेहरा या फिर कांग्रेस का सीएम चेहरा जो कि कर्नल अजय कोठियाल को टक्कर दे पाए? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कई वर्षों से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, और जबकि आम आदमी ने 2022 में ही अपना डंका शुरू करा है। और आम आदमी पार्टी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब तक ही कर्नल अजय कोठियाल एक ही ऐसे शख्सियत है जो चित परिचित शख्सियत है, उनके ही नाम पर करने अजय आम आदमी पार्टी आगे जा रही है। और रही बीजेपी कांग्रेस की बात, अक्सर सुना है कि बीजेपी अपने मुद्दे, अपने काम, अपने विश्वास पे विश्वास रखती है, और मुझे लगता है कि यदि बीजेपी को 2022 में आना तो युवा चेहरा के साथ ही आना पड़ेगा। कि तो आप देख ही सकते हैं कि युवा सीएम हमारे काम कर ही रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि युवा पीढ़ी के साथ बीजेपी मुझे लगता है 2022 में आएगी। और अगर कांग्रेस की बात करें, आपको क्या लगता है कि उनके टक्कर में कौन होगा, कर्नल कोठियाल के टक्कर में कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तो बात ही अलग है। कांग्रेस भी अपने चेहरों के साथ उतरेगी। अभी तो हरीश रावत, प्रीतम सिंह जी का ही नाम चल रहा है, सुनने में यही आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे पाएगी। बीजेपी ही कांग्रेस को टक्कर दे पा रही है। देखिए, अभी तक तो सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, उसका जो वर्तमान में सीएम साहब हैं, मुझे जहाँ तक लगता है वो सीएम साहब को ही उम्मीदवार बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अभी आपके पिछले दो सीएम पहले से उन्होंने चेंज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता वो सीएम चेहरा चेंज करने के, अगर वो चेंज करते हैं तो पार्टी की बहुत ज़्यादा किरकिरी होने वाली है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है जो कोठियाल जी को टक्कर दे सके? देखिए, कांग्रेस में तो आपसी मतभेद इतना है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है हरीश रावत जी पे अगर ये दाव खेलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर हरीश रावत जी होते हैं और बीजेपी से जो है पुष्कर सिंह धामी हो सकते होते हैं, तो क्या वो अजय कोठियाल को टक्कर दे पाएंगे अगले चुनाव में? ठीक है, अजय कोठियाल जी एक अपनी पर्टिकुलर एक सीट से लड़ेंगे, उनके अगर विपक्ष में लड़ें तो पार्टी टक्कर दे सकती है। ये पूरे प्रदेश में अजय कोठियाल जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, आम आदमी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कंपटीशन कर पाएगी कांग्रेस का या फिर भाजपा का। अजय कोठियाल एक आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जनता के लिए, जिन्होंने फौज में रह करके बहुत सारा काम किया है, और जिनका एक उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बनने का एक फुल चांसेस है, फुल दावेदार है, और जनता उनसे दिन प्रतिदिन अट्रैक्ट हो रही है, और उनका जो परचम है वो प्रदेश में लहराता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके टक्कर का कोई उम्मीदवार ना तो बीजेपी में है और ना ही कांग्रेस में है। तो आपको मतलब यकीन है एक तरीके से पूरा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है आम आदमी पार्टी इस बार फुल बहुमत में आएगी उत्तराखंड में, जिस तरीका उनका अभी तक मैंने देखा है
क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, और जो उनके पास जो अलग अलग जो विधायक के प्रतिनिधि है और जिस तरह से उनकी छवियां बनी हुई है और अपने आप में एक तरीके से अच्छे काम में जुटे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक इस बार का जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और अजय कोटियाल जी जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बिल्कुल होंगे और बनेंगे। चलिए, इन्होंने तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है और बेशक अजय कोटियाल जी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी लोगों से जानते हैं, सर आप बताइए कि भाजपा और कांग्रेस से आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर दे पाएगा अगले चुनाव में? मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है, लेकिन भाजपा को अगर देखा जाए तो लोगों के माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और इनका जो अभी एजेंडा चल रहा है कि अभी इन्होंने प्रेजेंट टाइम में एक साल के अंदर अंदर अभी युवाओं के लिए कर रहे हैं वो कि हम एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, फिर पाँच साल बाद इनके ये चलता रहेगा, तो लोग अब इनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लोगों ने देख भी लिया, लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर मुद्दे में खड़े हैं। अभी उनका मुद्दा यही है कि आम आदमी पार्टी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के अंदर जो उन्होंने बिजली वाला अपना दावा किया है और साथ में कि आने वाले समय पे अगर उनकी सरकार यहाँ पे आती तो उत्तराखंड को एक डबल एनर्जी के साथ में वो आगे तरक्की पे ले जा सकते हैं, इस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव के लिए आगे आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाजपा जो सरकार है अभी प्रेजेंट टाइम में, भाजपा सरकार के पास अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ से भाजपा सरकार बोल सके कि हम अभी वोट ले सकें अभी भाजपा वाले, लेकिन अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है उन पर, जो चेहरा हैं वो सारे पुराने हैं, नए चेहरा कोई उनके पास अभी प्रेजेंट टाइम पे है नहीं। तो चलिए, भाजपा को तो आपने सीधा आउट ही करार कर दिया, बाकी कहा कि दंगल जो होगा वो आम आदमी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच होगा, तो कांग्रेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन है हो सकेगा जो कि अजय कोटियाल जी को टक्कर दे पाए? मैम, अजय कोटियाल एक ऐसी पर्सनैलिटी अपने आप में जो अभी जिन्होंने काफ़ी टाइम से, मुझे जहाँ तक लगता है 4-5 साल से उससे अपअप होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अभी युवाओं को वो कर रखा है, जो यूथ फाउंडेशन में उन्होंने युवाओं को जोड़ा है, उसकी तरफ से अभी काफ़ी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो सब कर्नल अजय कोटियाल जी को अभी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि 2022 में हमें उन्हें भी एक आगे फ्रंट पे आने का एक वो देते हैं कि क्या उनकी विचारधारा रहती है, कैसे वो काम करते हैं सरकार में रह के। अभी तो लेकिन उनकी सरकार बनी नहीं है, लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो उन अपने दावे पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए, सभी सरकारों को एक एक मौका दे दिया, अभी आम आदमी पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए, जैसे दिल्ली मॉडल में उन्होंने अभी समझा रखा है, वही अगर देहरादून या अपने उत्तराखंड में अगर वो लागू करते हैं उस मॉडल को, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी काफ़ी एजुकेशन डेवलपमेंट में और आगे विकसित हो सकती है। जी, पहले तो ऐसा है कि आम आदमी जो पार्टी है जो यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारी वो दे रहे हैं कि इतनी फ्री करेंगे, मैम वो धरातल पे अभी नहीं लगता धरातल तक पहुँच पाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड का भौगोलिक वो है वो बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं, उत्तराखंड में बिजली फ्री देने से उत्तराखंड का वो नहीं हो जाएगा, उत्तराखंड को यहाँ की जो व्यवस्था है, जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके लिए पूरी शिक्षा नहीं है, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है जो ये प्रलोभन जो बाहर की पार्टियाँ आके यहाँ उत्तराखंड में दे रही हैं वो उत्तराखंड के लोग उसमें प्रभावित नहीं होंगे। बाकी जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं NSU से जुड़े हम जुड़े छात्र हैं, हम कांग्रेस इस समय पे सबको एक साल लेके चलने की कोशिश कर रही है और कहीं हद तक हमें ऐसा लगता है कि जो भी नेता जिसको भी कांग्रेस अपना CM का प्रत्याशी घोषित करेगी, पूरी कांग्रेस साथ जी तोड़ के मेहनत करेगी, उसको पूरी कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास करेगी। चलिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय कोटियाल को कौन टक्कर दे पाएगा? जी, कांग्रेस से अजय कोटियाल जिसको भी कांग्रेस CM पद का घोषित करेगी वो पूरी जो कांग्रेस के पीछे लगे वही टक्कर देंगे, टक्कर दे सकते हैं, मतलब अजय कोटियाल को मिलकर टक्कर देगी। और बाकी पार्टी की बात करें, BJP की बात करें, तो फिर BJP में मैम जहाँ तक यह है कि जो उत्तराखंड के जो चेहरा है उसके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है BJP का बस एक ही एजेंडा है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना, और जहाँ हद तक मुझे लगता है कि मोदी के नाम पर अब नहीं हो पाएगा, ऐसे जो पहले उत्तराखंड लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं ये लोग कि आप नहीं बना पाएंगे, अब लोग समझ चुके हैं कि कैसी स्थिति है, क्या है, कहाँ क्या यहाँ की परिस्थिति है, इसलिए जो जिसके नाम पे वोट देंगे वो यहाँ का उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए। पर अभी पुष्कर सिंह धामी हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, काली कुमाऊँ के हैं, पहली बार काली कुमाऊँ से कोई नेता इतना उभर के आया है और मुख्यमंत्री बना है, युवा हैं,
जिस तरीके से कहा है युवा देश है हमारा, युवा जा रहा है और युवा का उल्टा करो तो वायु होता है और जो सब कुछ उड़ा ले जाती है। और ये देखने वाली बात है मुस्कर सिंह धामी जी में कितना दम है, कितना वो बेहतरीन कार्य करते हैं कि उत्तराखंड को किस वायु की तरफ ले जाएं, कि अच्छी वायु दें या बेकार वायु दें। बाकी हमारा तो ये कहना है कोई भी बने विजनरी होना चाहिए, उत्तराखंड के लिए करना चाहिए और डबल इंजन सरकार है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर डबल इंजन सरकार काम तो करे। डबल इंजन सरकार बात करती है हम ये कर देंगे उत्तराखंड में, वो कर देंगे, अभी तक हमें ग्रीन स्टेटस तो दिया नहीं इनने पहाड़ी राज्यों में, बाकी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। मेट्रो की बात करी थी इनने, बात करी थी ऋषिकेश में 2024 तक हम मेट्रो ले आएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता ऋषिकेश में कैसा कैसा मॉडल बनाएंगे जो 2024 तक मेट्रो आए। फिर देहरादून में मुझे इतनी नॉलेज नहीं पर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें करोड़ों खर्च करके स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें दिखाया गया कि हम ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे और आखिर में जाके बड़े अधिकारियों नेता द्वारा जो भी करा उसमें ये बोल दिया गया कि ये प्रोजेक्ट ख़राब है अब, और जिसमें करोड़ों रुपये खर्च करे उसका जो ब्यौरा है उसका उठाएगा कौन। बाकी अभी अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम डिग्री कॉलेज के सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को हम लैपटॉप बांटेंगे, ठीक है अच्छी बात है, अब लैपटॉप बांटिए, व्यय आएगा हम पे तो वैसे ही हम कर्ज में हैं उत्तराखंड, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात मुझे बताइए आप अभी मुझे लगता नहीं छात्रों को लैपटॉप की ज़रूरत है, अभी छात्रों को रोज़गार की ज़रूरत है। बाकी आपने कहा कि बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, बिजली पानी मुफ्त की ज़रूरत नहीं है हमारा, ना बिजली का यूनिट इतना महंगा आता है उत्तराखंड में, ना पानी का बिल इतना आता है कि हम दे नहीं सकते, एक नॉर्मल इंसान काम करने वाला भी दे सकता है। आप हमें रोज़गार देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, हम उससे ही सक्षम हैं अपना बिजली पानी बिल देने के लिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, बात है इतनी। तो बाकी जो भी अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा से कोई भी जो चेहरा हो वो काम करने लायक होना चाहिए कि आगे जाके जो किसी भी पार्टी का चेहरा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, नेता जरूरी थोड़ा है कि बीजेपी का अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है, आपका अच्छा है, यूकेटी का अच्छा है, ऐसा तो है नहीं कि यूकेटी के नेता अच्छे नहीं है। काशी सिंह एरी जी अभी भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे विजनेती थे, लेकिन हमारे मानना है कि नेता अच्छा होना चाहिए, बाकी अब चेहरा कौन होगा ये तो हमें नहीं पता, बाकी हमारा ये मानना चाहिए, हमारा ये मानना है युवा आए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, युवा हैं, कुछ करें युवाओं जैसा काम। बाकी अभी भर्तियां निकाली हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल खुश तो नहीं हूँ क्योंकि ये युवा भर्तियां अगर टाइम टू टाइम निकलती तो आज ये स्थिति नहीं होती, ये टाइम टाइम निकलनी चाहिए थी, बस इनने 10 भर्तियां 3-4 साल में ना निकाल के एक अचानक से 5वें साल में 10 भर्तियां निकाल दी जिसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो इसमें मैं खुश नहीं हूँ, भर्तियां टाइम टाइम निकलती तो आज हमें रोजगार की दिक्कत नहीं होती। बाकी भाजपा के नेता क्या कर्नल अजय कोठियाल को टक्कर दे पाएंगे चुनाव में? कर्नल अजय कोठियाल जी बहुत अच्छा है, सिद्ध नाम है, बड़ी चीज़ है, कर्नल है, बिल्कुल सम्मान है, पर राजनीति एक अलग चीज़ है, राजनीति समाज सेवा नहीं है, समाज सेवा आपको करनी है, आप समाज सेवा करें, राजनीति में आपको दलगल कच्चड़ में घुसना पड़ता है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है अभी उत्तराखंड में नए नए हैं, आम आदमी पार्टी भी है पुरानी, काफ़ी टाइम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी का ब्यौरा देखा जाए राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस को देखा जाए तो नई पार्टी है, उन्हें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, और पहले तो ये सीट फिक्स करें कि किस सीट से लड़ेंगे कोठियाल जी, फिर उसके बाद देखा जाए, और उसके बाद पहले तो 70 कैंडिडेट घोषित करें। हाँ अगर ये कांग्रेस के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाएंगे, अगर ऐसा चाह रहे हैं तो ये भी बताएं कि हम भाई किसके साथ, बीजेपी के साथ करेंगे हम, कांग्रेस के साथ करेंगे हम, यूकेडी के साथ करेंगे, किसके साथ कोलिशन करेंगे, या अगर ये अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं तो 70 विधानसभा सीटों में 70 विधायक कौन है इनके जो लड़ना चाह रहे हैं, 70 विधायक प्रत्याशी कौन है, उनके नाम आगे करें, तब हमें भी खुशी होगी, तब हम भी क्यों नहीं करेंगे, एक अच्छा चेहरा है हम भी उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन दिखाए तो सही, आपने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, आपके पास 70 विधायक नहीं है लड़ाने के लिए विधायक प्रत्याशी, तो हम कैसे कहते हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम तो विधायक अभी कर्नल कोठियाल जी को नहीं मानते विधायक मुख्यमंत्री प्रत्याशी। पहले अजय कोठियाल जी खुद डिसाइड कर लें कि उन्हें कहाँ से लड़ना है, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें टक्कर देने वाला उस जगह से कौन है क्या है, अब ऐसे तो कुछ डायरेक्ट बिना उस पर जानकारी के क्या बता सकते हैं। देखिए फिलहाल तो कांग्रेस बीजेपी की स्थिति दोनों की समान ही है कि मतलब दोनों ने अपने चेहरे अभी तक क्लियर नहीं किए, ना बीजेपी ने किए ना कांग्रेस ने किए। देखिए मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगा कि कौन ऐसा होगा, लेकिन बीजेपी की काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है इस बार भी, कि भले उनने अपना कोई चेहरा डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मोदी जी का लास्ट आपको पता है लास्ट टाइम में मोदी लहर आई थी, हो गया काम, इस बार भी आई थिंक ऐसी होने वाला है, चेहरा तो ये लास्ट में ही डिसाइड करेंगे। और फिलहाल तो मेरे को ये लगता है कि अगला मुख्यमंत्री भी धामी जी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि यूथ है, नया चेहरा है काफ़ी। अगर जैसे आपने कहा धामी जी को अगर सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है तो क्या लगता है कर्नल अजय कोठियाल जिन्होंने इतने वादे किए, जिन्होंने इतना काम किया, फौज का बैकग्राउंड है, तो उनसे मतलब उन्हें टक्कर दे पाएंगे चुनाव में? देखिए तो नॉर्मल सी बात है कि टक्कर तो देंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि देखिए आपने बोला आर्मी बैकग्राउंड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आर्मी बैकग्राउंड है तो इसी वजह से हम वोट दे दें उन्हें,
हर चीज़ ना ऐसा तो नहीं है कि वो जीतेंगे। और सेकंड बात कि वो किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ये उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिस पार्टी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठाए थे। आप शायद बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ही सवाल उठाए थे, इन्होंने इन्हीं के ऊपर सवाल उठाए थे और ये इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद देखिए, जबकि वो डिफेंस में होने तो डिफेंस का समर्थन करना चाहिए, वो डिफेंस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, तो उन्हें जब अपने आर्मी पे भरोसा नहीं तो क्या आप बोले उनके बारे में। तो ऐसी डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कोटियाल जी पे कि उनने ऐसा बोला होगा, शायद उन लोगों ने पहली स्पीच नहीं सुनी होगी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ताओं ने जो भी बोला था, उनने स्पीच नहीं सुनी थी, लेकिन डायरेक्ट ही अपने देश के खिलाफ ही हो गया ना ये तो जाना। कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपनी आर्मी में शक कर रहा हूँ, अपने देश में शक कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है। तो ये एक यूथ पॉइंट ले रहा है कि भाई ऐसे को सपोर्ट ना, अगर मेरी खुद की राय मानी जाए तो मैं उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा। बाकी आम आदमी पार्टी की कितनी हवा है, कर्नल अजय कोठियाल की कितनी हवा है अभी फिलहाल उत्तराखंड में? देखिए ये तो सारे वादे कर रहे हैं, आपको पता ही है वादे तो हर कोई करता है, पूरे करने में डिपेंड करता है कि पूरे करेंगे नहीं। दिल्ली में लोगों ने बोल दिया हम बिजली फ्री करेंगे, यहाँ पे बोल दिया 300 यूनिट कर देंगे। ओके मैं बोलता हूँ आप 300 यूनिट दे देंगे, 300 यूनिट किस बिहाफ में देंगे आप हमें? 300 यूनिट फ्री दे रहे आप, दिल्ली में पूरी बिजली फ्री कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं फ्री की? जबकि टीरी डैम तो यहीं पे मैक्सिमम 80% बिजली या 20% बिजली यहीं से जाती है उत्तराखंड से, तो यहाँ पे आप बिजली फ्री कीजिए। अगर ऐसा है तो आप बिजली 300 यूनिट फ्री करने के बाद में हमारी जेब से एक्स्ट्रा टैक्सेस के थ्रू ये पैसा निकालेंगे, तो मतलब आप एक तरीके का लालच दे रहे हैं, फ्री 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 फ्री। और लाल जैसे जियो ने भी किया कि फ्री फ्री दिया, आदत हो गई उसके बाद में लगा दिया उनने, और आज भी हम यूज़ कर रहे हैं सिम पे कर रहे हैं हम, तो इनका भी आई थिंक यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह ध्यान ही ठीक है इस टाइम पे, जैसे चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, नई सोच है नई वो है उनके पास, और एज भी सही है जो कि सही फैसले करते हैं जो जनहित में हो जनता के, ताकि जैसे कि लोग जवान यंग लोग खाली हैं बेरोजगार हैं उनके बारे में तो ठीक ठाक सोच है उनकी। अजय कोठियाल जी ठीक है, लेकिन इतने एकदम से तो कोई भी किसी शहर में एकदम से किसी चीज़ की तरक्की नहीं कर पाता, धीरे धीरे होती है, कोई एकदम से मैं कहने लगूँ मैं भी नेता बन जाऊँ तो नहीं बन पाए। तो हर चीज़ जहाँ तक है कांग्रेस और बीजेपी की है तो बीच में वैसे ही। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बीच में ही टक्कर होगी चुनाव में, आम आदमी पार्टी का आपको नहीं लग रहा? चांस तो कम है, नहीं अजय कोठियाल नहीं दे पाएंगे, सीधा हरीश रावत जो है, हरीश रावत और बीजेपी में टक्कर होगी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी, कांग्रेस और बीजेपी। क्या उत्तराखंड की जनता कोई नई पार्टी नहीं चाहती, बदलाव नहीं चाहती? चाहते हैं लेकिन अभी बिल्कुल नए हैं ना, इसलिए ज़्यादा सब वो नहीं कर सकते उन पर भरोसा, अभी जो देंगे वो सीधा दो के ही बीच में टक्कर होगी। तो देखा आपने कि जनता का क्या मानना था, जनता की क्या राय थी, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी से अजय कोठियाल ही जो है उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, अगले चुनाव में उन्हें जीतना चाहिए और सीएम की तरह काम करना चाहिए उत्तराखंड में। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा और आम आदमी पार्टी अभी तक कहीं भी पिक्चर में नहीं है। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में नहीं आई है, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और बाकी सारी परिस्थितियां समझने में और ढंग से काम कर पाने में। तो लोगों की राय तो हमने आपको बता दी, इसी तरीके के जनहित के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपने सहयोगी विवेक रावत के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।